हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑरा हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि इस समय आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, आपको लेके वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए एंड वहां से आपको अच्छी गाइडेंस मिले। एंड अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सअप कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग बुकिंग्स। ध्यान रहे, सिर्फ व्हाट्सअप करिए, कॉल मत करिए, ना ही टेक्स्ट मैसेज भेजिए। ना मैं फोन लिफ्ट करती हूँ, ना ही मैं टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई करती हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इस समय आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, आपको लेके वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ईश्वर का ध्यान करिए। सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड, एट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। देखिए, काफी सारे थॉट आपके पर्सन के दिमाग में है। हो सकता है आप दोनों की प्रेजेंट रिलेशनशिप में सिचुएशन खराब हो, और ये भी हो सकता है कि आपकी जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो, और जो आपके पर्सन को यूजुअली पता है, राइट, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत कंफ्यूजन में हो, आप बहुत कंफ्यूजन में हो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है कि जिसके कारण ना आपने कंफ्यूज कर दिया है अपने पर्सन को, आपकी तरफ किस तरह से कॉल लेना है, कैसे लेना है, क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है, कितनी करनी है। आपके पर्सन यू नो इस समय किस तरीके से हैं, आपको फैंटेसाइज भी बहुत करते हैं, एंड आपके बारे में जैसे वो होता है ना, आपका पूरा उन्होंने जैसे स्वॉट एनालिसिस कर लिया हो, आपकी स्ट्रेंथ भी उन्हें पता है, आपकी वीकनेसेस भी उन्हें पता है, और वो हर एक चीज़ को प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हैं कि ये एक फीमेल है या फिर ये एक मेल है, मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, ये मेरे से उतना प्यार करता है, और इसमें क्या क्वालिटीज़ है, क्या नहीं, इसकी नेगेटिविटी क्या है, इसकी पॉजिटिविटी क्या है, सब कुछ वो आपके बारे में सोच रहे हैं। और इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि जब इंसान ज़्यादा सोचता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत पॉजिटिव सोचता है। जब इंसान कोई भी चीज़ की ओवर थिंकिंग करता है तो मैक्सिमम वो नेगेटिव सोचता है। पॉजिटिव तो थॉट्स आते हैं, चले जाते हैं, नेगेटिविटी जो होती है वो आपके दिमाग और दिल में घर करती है, पॉजिटिविटी नहीं। पॉजिटिविटी तो आती है, चली जाती है, राइट। तो इस समय वो उन्हें ऐसा लगता है कि वो खुद भी बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपके पर्सन आपको लेके, और आप भी बहुत ओवर थिंकिंग करते हो आपके पर्सन आप अपने पर्सन को लेके। तो ये ओवर थिंकिंग की वजह से क्या होता है, ये रिलेशनशिप में झगड़े ज़्यादा होते हैं और सिचुएशन बहुत हेल्पलेस हो जाती है। यूजुअली ऐसा होता है, सिचुएशन बहुत हेल्पलेस हो जाती है, आपको नहीं पता आपके पर्सन के साथ कैसा बिहेव करना है और आपके पर्सन को नहीं पता आपके साथ कैसा बिहेव करना है। हो सकता है आपने पास्ट में अपने पर्सन को बहुत 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 कुछ दिया हो, जिसके कारण सिचुएशन पास्ट में तो बहुत अच्छी रही, लेकिन प्रेजेंट में वो आपको जब उतना नहीं मिला तो आप उस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग करने लगे, है ना, तो सिचुएशन खराब हो गई। इस समय आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो अपने ऊपर, शायद अपने स्किल्स को एनहांस कर रहे हो या अपने करियर को अपग्रेड करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं से आप बहुत बिजी हो अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को बहुत अच्छा बनाने में। उन्हें आप में कुछ हद तक ना टॉक्सिसिटी दिखती है। आई थिंक ये वीडियो सबको आज नहीं पसंद आएंगे, बट मैं क्या करूं, मुझे जो कार्ड्स दिखते हैं मैं वो बता देती हूं। अगर आप उससे रेजोनेट होते हैं तो लीजिएगा उसको, और नहीं होते हैं तो प्लीज़ मत लीजिएगा। लेकिन आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कुछ चीज़ों में बहुत टॉक्सिक हो, आपका बिहेवियर कुछ चीज़ों में बहुत टॉक्सिक है। हो सकता है मतलब हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स होती होंगी, या फिर हम बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते होंगे। हमारे पर्सन ने अगर फ़ोन नहीं उठाए एक कॉल में तो आप बहुत चिड़चिड़ करते होंगे, या फिर कुछ आपसे छुपा लिया तो आप चिड़चिड़ करते होंगे। आपके पर्सन बताना आपको कुछ और चाहते होंगे, ले जाते आप कुछ और कहीं,
होंगे, छोटी सी बात का राई का पहाड़ बनाते होंगे। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ होता है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत टॉक्सिक हो कुछ चीज़ों में, बट आपके पर्सन आपको बहुत एडमायर करते हैं बिकॉज यू आर वेरी मच हार्ड वर्किंग। हो सकता है कि इस समय आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली की लेके, या फिर अपने करियर की लेके, या फिर आपके बिजनेस की लेके, या फिर अपने ऑफिस की लेके, ऑर्गेनाइजेशन की लेके आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ आपने अचीव किया है, आपने मनी अचीव किया है, सक्सेस अचीव किया है, फ्रीडम अचीव की है लाइफ में, अबंडेंस अचीव की है, जो भी आपने कुछ अपनी लाइफ में अचीव किया है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। एंड आज आप अपनी लाइफ में वो हर एक चीज़ एंजॉय कर रहे हो जो आप, जिस चीज़ के लिए आपने मेहनत करी है, राइट? आपके पर्सन को लगता है आप बहुत ऑथेंटिक हो। यस, है कुछ आप में नेगेटिव ट्रेट्स भी है, लेकिन आप बहुत ऑथेंटिक हो। शायद ये भी हो सकता है कि आप मुंह पे लोगों के बोल देते होंगे, राइट? आपके पर्सन कुछ ना कुछ डेफिनेटली आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन वही बात है, इस समय आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। वो जो भी आपको ऑफर करेंगे वो बहुत लाइट ऑफर होगा, कुछ सीरियस ऑफर नहीं होगा। शायद कहीं घूमने के लिए आपको बोल सकते हैं, कहीं चलने के लिए आपको बोल सकते हैं, चाहते हैं आपको सीरियस ऑफर करना, लेकिन आई थिंक आप उनसे ज़्यादा मतलब पूछा, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी ऑफर करेंगे, वो सारी चीज़ें आपके पास है, वो सारी चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हो, तो वो शायद उनके अंदर एक इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाती है कि उन्हें आपके हिसाब से उनके पास कुछ नहीं है ऑफर करने के लिए। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, पैशनेट बहुत ज़्यादा है आपके लिए, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, उन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप में डिवाइन की ब्लेसिंग से, कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चल रहा है, स्टेबिलिटी फील करते हैं आपके साथ, ये स्टेबिलिटी फील करते हैं, खिंचाव आपकी तरफ महसूस करते हैं, प्यार आपसे बहुत ज़्यादा करते हैं, बट उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से महसूस होती है कि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस है, या तो आपके पर्सन डिस्ट्रैक्टेड हो जाते होंगे, आप मतलब भले उन्हें आपसे कितना प्यार हो, लेकिन कोई और अगर ब्यूटीफुल दिखती होंगी उन्हें, तो उनका अट्रैक्शन किसी और की तरफ जल्दी हो जाता होगा, ये भी हो सकता है इसका मतलब। ऐसा नहीं है सबसे रेजोनेट होगा, या फिर अपने ऐसा नहीं सोचना है, अगर ऐसा है तो कुछ सिचुएशन में ये डेफिनेटली हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन यू नो थोड़े से लस्ट के पीछे होंगे, या एडवेंचर, थंडरबोल्ट, डेफिनेटली आप लोग के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, कम बातचीत हो रही है, प्लेफुलनेस, द बर्डन, अंडरस्टैंडिंग, सक्सेस, द मास्टर। देखिए आपके पर्सन, हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, आप पे यू नो मास्टरी करने की कोशिश करी हो, आपको हर लेवल पे कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी हुई कि वो चीज़ें ठीक होने के बजाय ख़राब हुई है, बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं पावरफुल होंगे, है ना? आपके इस समय तो मुझे लगता है शायद आप दोनों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, कम बातचीत हो रही है, लेकिन आपके पर्सन को ना बहुत सारी चीज़ों का बर्डन है, गिल्ट है, आप शायद उन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आप पे सक्सेस हासिल करना चाहते थे और वो चीज़ नहीं हुई है, थोड़ा सा उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग करी होंगी अपने हिसाब से चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए, अपने हिसाब से चीज़ों को ले जाने के लिए, वो नहीं हुई होंगी, वो चीज का गिल्ट है, क्योंकि जब इंसान गलत करता है तो वो वहाँ पे झूठ बोलता है, नेगेटिव होता है, वो सारी चीज़ें हैं। इस समय आपके पर्सन थोड़े से प्लेफुल एनर्जी में आपके साथ रहना चाहते हैं, चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा मस्ती करना चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स, बहुत यू नो सीरियस नहीं रहना चाहते। आपके पर्सन आपके साथ एडवेंचर पर जाना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि आप दोनों की जो जर्नी है बहुत एडवेंचरस है, बहुत एक रोलर कोस्टर राइड है आप दोनों की जर्नी, कभी बहुत अप्स आए होंगे, कभी बहुत डाउन आए होंगे, कभी बहुत पेन झेला होगा, कभी बहुत दुख झेला होगा, कभी बहुत सुख झेला होगा, हर तरह के सिचुएशन से आप लोग गुजरे होंगे, ये आपके पर्सन को फील होता है आपके साथ। बट एनीवेज अच्छा है, यहाँ से देख लेते हैं ना, एम्ब्रेस, आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो, हीलिंग, ओके,
आपके पर्सन आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, बहुत मतलब आपका शायद एक अच्छा बॉन्ड रहा होगा एक दूसरे के साथ, आपके पर्सन आपको अच्छा फ्रेंड मानते हैं, भले उन्होंने आपके साथ जो किया लेकिन आप उनके साथ हमेशा पॉजिटिव रहे हो, अच्छे रहे हो। यहाँ पे आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकते हो, बट आपको ना एक दूसरे के बारे में ये इतना प्लानिंग प्लॉटिंग ना करके हुए, इतना माइंड गेम ना करते हुए जो भी चीज़ है उसको एम्ब्रेस करना चाहिए, एक दूसरे की जो पॉजिटिविटी है उसको खिलाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसकी पॉजिटिविटी और निखरे। इस समय आप दोनों की रिलेशनशिप को हीलिंग की ज़रूरत है, आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, बिकॉज आप दोनों अनहील्ड सोल्ड हो अपने अपने लेवल पे, अपने अपने लेवल पे आप दोनों को ट्रॉमास मिले हुए हैं और ये आपके पर्सन भी फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि जो भी कुछ हुआ दैट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। शायद आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के बैठे हो या ले के बैठे हो, ज़्यादा चीज़ों को पकड़ के बैठने की ज़रूरत नहीं है, ले के बैठने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, गो विद फ्लो। ओके फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होंगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज़।